अगला क्वेश्चन देखो 2015 क्वेश्चन नंबर 74 टू मार्क का। ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, कई बच्चे नहीं कर पाए होंगे तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से एक एक स्टेप समझना। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3x इंटू 3x। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, ध्यान से देखा। इसको मैंने इसको 9x को मैंने इसको ये लिखा, ये चीज समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब देखना ध्यान से। अगले में क्या करता हूं, माइनस का 2 को एक तरफ रखा इंटू 3b स्क्वायर को एक तरफ रखा। 3b होगा यार, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये 3b होगा, ये 3bx चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ये ऐसे है, ये यहां पर है, ये 3b स्क्वायर ही होगा। ठीक है, और यहां पर हमसे मिस्टेक हो गई है हल्की सी, ये a की पावर 4 है और ये b की पावर 4 है। ठीक है, आई बात समझ में? देखो ध्यान से, मिस्टेक हो जाती है यार, मैं तो टीचर ही है, लिखते लिखते हो जाती है। तो इसको 3b स्क्वायर और इसको मैं ये लिख सकता हूँ इंटू एक्स। ये चीज समझ में आएगी। अब देखो इस माइनस को मैं अंदर भेज रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं देखो, तो माइनस का a की पावर 4 को मैं a की पावर 4 चलो पूरा लिख देता हूं, और ये माइनस माइनस प्लस b की पावर 4। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी नहीं? अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर। भाई सिंपल सी बात है, देखो x इंटू x होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर है ना, तो यहाँ x जगह 3 है, यहाँ पे भी x जगह 3 है, 3x है, तो इस पूरे को मैंने ये लिख दिया। ये चीज समझ में आएगी नहीं? माइनस का 2 इंटू 3b स्क्वायर इंटू x। अब देखो प्लस b की पावर 4 को मैं ये लिखता हूँ b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। ये चीज ध्यान में देना, ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्यों किया मैंने, देखो बताता हूं। यहां पे फिर वही 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3b स्क्वायर इंटू x प्लस इस पूरे को ये लिख सकता हूं b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई कि नहीं? मैंने क्यों किया ऐसा, ध्यान से देखो इस पूरे को देखो ध्यान से। अब आप एग्जाम में सोचोगे आपका डाउट है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक में फार्मूला बनेगा कि बी में बनेगा। आपको यहां देखना है कि 2ab में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ना, तो बी का फार्मूला बनेगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 3x प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया अच्छे से? अब देखो ध्यान से इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना बच्चा। इस पूरे को ये कुछ ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। इसको कैपिटल में लिख लेता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ध्यान से देखना ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया इस फॉर्म में ही कुछ कुछ। ध्यान से देखो यहां पे देखो, तो अलग अलग मार्कर से बता रहा हूं मैं, देखो ध्यान से 2 की जगह ये रहा 2 है ना, और ए की जगह ये रहा 3b, और बी की जगह क्या है, बी की जगह यहां देखो x आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब ये ओवरऑल ये क्या फॉर्मूला बन गया, 3x माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर यहां पे माइनस क्यों लिखा आपने, वहां तो b प्लस में है। अरे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलेंगे, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही तो है ये, आई बात समझ में? और उधर प्लस में क्या है, माइनस का a की पावर 2 का होल स्क्वायर। अब फिर ध्यान से देखो, फिर ध्यान से देखो अच्छे से, यहां देखो, यहां देखो ध्यान से। अब ये फिर कुछ फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया सर, यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और इधर क्या आएगा, ए माइनस बी। आई बात समझ में? कुछ कुछ इसी फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। ए की जगह क्या है, ए की जगह ये पूरा है, ए की जगह ये नहीं है, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ए की जगह ये पूरा है और बी की जगह ये है ए स्क्वायर। आई बात समझ में? अब देखो ऊपर का मिटा रहा हूं मैं अच्छे से समझना। देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब एक जगह कितना आ रहा है हमारा 3x माइनस बी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर यहां पे, समझ में आया। और दूसरे पैकेट में क्या होगा, 3x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रहा ना ए प्लस बी माइनस थ्री माइनस ए स्क्वायर, और दोनों किसके इक्वल है, जीरो के। आई बात समझ में, अच्छे से नोट डाउन करो जल्दी से। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, अब एक बार 3x माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या करेंगे, यहां देखो 3x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, 3x को यहीं रखा, इस पूरे को, इस पूरे को, इस पूरे को उठा के उधर ले गया, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा x, अब मेरे को x निकालना है, तो x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन थ्री। ये बात समझ में, x की एक वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, ये एक x की वैल्यू मिल गई। सेम दूसरे पे देखो क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू इस पूरे को उधर ले जाओ, तो दोनों की साइन माइनस में, तो प्लस में हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन थ्री, यही सोल्यूशन है इसका, दोनों x की वैल्यू। देखो कहोगे कि सर आपको 10 मिनट लग रहे हैं, तो हमें तो होगी क्या, हमें 20 मिनट लगेंगे। देखो मेरे को 10 मिनट इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूं, मैं सबको ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं। एग्जाम में आपको अपने अनुसार करना है कि आपको कितना आता है, आप अकेले हो तो आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। यहां मुझे सबको पढ़ाना होता है, तो अगर आप, ऐसा नहीं है कि मैं टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं सबको समझा रहा हूँ और एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। एग्जाम में जब आप अपने दिमाग से सोच के करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको लग रहा है यहाँ पे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, भरोसा रखो मुझे समझाना है इसलिए टाइम लग रहा है इतना। आई बात समझ में, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही, ताकि आपके कंसेप्ट पूरे अच्छे से मजबूत हो जाए, ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से।